Click on the subscribe button to never miss an update from Prime Movies Channel. बहुत समय पहले हिमालय की चोटी पर एक चमत्कार हुआ था। महामाया, महामाया उठो। क्या हुआ, तुम क्यों मुस्कुरा रही थी? मैंने एक अजीब सपना देखा महाराज। मुझे लगा ही था। क्या देखा बताओ? एक खूबसूरत सपना, आसमान में तारे और एक हाथी। एक हाथी? हाँ महाराज, छह दांतों वाला। छह दांतों वाला? हाँ, छह दांतों वाला। वो सफेद हाथी मेरे पास आया और मेरे नृत्य में मेरा साथ दिया। सच में? शाही जोशी को रानी के सपने का अर्थ बताने को कहा गया। महाराज की जय हो। मैंने रानी साहिबा के सपने का अर्थ लगा लिया है और आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच में? बताओ क्या होगा? अभी बताता हूँ। लड़का या लड़की? लड़का ही होगा। साम्राज्य को एक खूबसूरत राजकुमार मिलेगा। एक बढ़िया खबर, सारी दुनिया जान जाएगी। वो बड़ा राजा बनेगा। हाँ, दुनिया पर राज करेगा अगर वो चाहे तो। क्या मतलब अगर वो चाहे तो? मेरा बेटा दुनिया पर राज करेगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं महाराज। कृपया मैं जरा थोड़ी देर जांच के लिए हो आऊं। बिल्कुल, मैं तुम्हें भेजूंगा सही समय आने पर। कितना खूबसूरत नजारा है ना? तुम्हें क्या लगता है?
बिल्कुल ठीक कहा आपने रानी साहिबा। ओह, मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है। कैसा एहसास रानी माँ? वो अंदर से मुझे पैर मार रहा है पुष्पिका, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है। अभी रानी माँ? हाँ अभी, मुझे महसूस हो रहा है यहीं रुक जाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। एक बच्चा पैदा होने वाला है और माँ कहती है मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, कमाल है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि बच्चा किसी का आशीर्वाद है। रानी साहिबा, आप ठीक तो है? हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब इतना अच्छा होगा। लड़की को जन्म दिया है। वाह, वो कितना सुंदर है, जरा देखो तो। रोशनी फैलाने को मेरा जन्म हुआ है। इस दुनिया में मेरा ये आखिरी जन्म है होश में होने का। वाह 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 वाह, इस चक्र को तो देखो, कितना स्पष्ट है, कितना सुंदर, पूरे 12 हैं। पर इसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्या मतलब होता है इसका? आपका बेटा आगे चल के अलग तरीके का महान शासक बनेगा। क्या? हाँ, एक अलग तरह का शासक। हाँ महाराज, बहुत अलग। ये बच्चा शायद पूरी दुनिया पर राज करेगा, या पूरी मानव प्रजाति की संकट से रक्षा करेगा। पर महान शासक वो जरूर बनेगा। नहीं नहीं नहीं, दुनिया को बचाना वगैरह कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा देश पे राज करे, हो सके तो बाद में दुनिया पर। तुमने मुझे एक खास बच्चा दिया है मेरी रानी, सही समय आने पर मैं उसे उचित पुरस्कार दूंगा। एक दमदार घोड़ा, बर्फ जैसा सफेद हाथी, एक बलवान सेनापति और एक खूबसूरत जवान पत्नी तुम्हारे जैसी। ठीक है ठीक है। और बाद में उसे उसकी सुंदर पत्नी मिल जाए। अब उसे थोड़ा सोने का समय दीजिए। और जल्द ही राजा ने उसके मंत्रिमंडल को सभा कक्ष में उपस्थित होने को कहा। सज्जनों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे के नाम पे सुझाव दें, एक नाम जो मेरे देश के इतिहास में अजरामर हो। क्यों ना उसे सर्वेपि सिद्धा बुलाएं, यानी पूर्ण संपन्नता। सर्वेपि सिद्धा। सर्वेपि सिद्धा, ना ना ना, ये बहुत बड़ा नाम है, पर मुझे अंतिम अक्षर पसंद आए, सीधा, सीधा यानी विजय, सीधा, सीधा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम कैसा रहेगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है। कहो प्रिय, तुम्हें कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, सिद्धार्थ बहुत सुंदर नाम है, तुम्हें अच्छा लगा? हाँ रांधो, ये बहुत अच्छा नाम है। स्वागत है बूढ़े विद्वान। स्वागत है, स्वागत है संत सीता, आपके आने से हमारा मन बढ़ गया। बधाई हो महाराज,
ओह, अरे वाह मर्चे, तुम सिद्धार्थ हो। पर बजाय खुशियों के संत सीता की आंखों में पानी आ गया। आप रो क्यों रहे हैं महानुभाव? हमें बेटा हुआ है, क्या ये खुशी का मौका नहीं है? महाराज, मैं किसी की प्रार्थना नहीं करता, पर इस बच्चे के सामने मैं शीश झुकाता हूँ, क्योंकि ये बच्चा जीने के मूल मंत्र सिखाएगा और मानव जाति को सुरक्षित रखेगा। महाराज, आपके बेटे का जन्म एक महान घटना है, शायद सबसे महान। पर फिर आपको तो खुश होना चाहिए। पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ज्यादा समय जिंदा नहीं रहूंगा। मैं अपने बेटे के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। इतना खुश मत हो, आपकी तलवार पर रोग लग जाएगी इस बालक की वजह से, और तुम्हारे लिए रानी साहिबा तुम्हारी मानव जाति पर उपकार है, जल्दी तुम शांति से मर जाओगे। अब और आंसू नहीं और तकलीफें नहीं। कोई कृपा करके इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि ये कुछ और कहे। दुख भरी बातें और रानी की मौत की खबर हवा में फैलने लगी। मेरी प्यारी बहना, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इसका ख्याल रखोगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे महान बच्चे को जन्म दिया। रानी महामाया ने अपनी आंखें फिर नहीं खोली। पता नहीं रानी माँ अब तक क्यों नहीं उठी। रानी माँ, रानी माँ, कृपया उठिए रानी माँ। ओह, रानी माँ, आ जाओ मेरे बच्चे। छोटे सिद्धार्थ ने अपना बचपन एक सुरक्षा कवच में गुजारा, जिसमें एक राजकुमार के लिए सारी सुविधाएं थीं। हे सिद्धार्थ, चलो हम खेलते हैं। अभी नहीं देवराज, बाद में। ठीक है, जैसे तुम चाहो, हम चलते हैं दोस्त। बड़ी अजीब बात है, सिद्धार्थ खेलता ही नहीं है, या तो वो पढ़ता रहता है या बैठे सोचता रहता है, बड़ा अजीब लगता है मुझे। चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। सिद्धार्थ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं बस बैठा हूँ। क्या तुम्हें कोई चिंता है मेरे बेटे? नहीं पिताजी, आपने क्यों पूछा? क्योंकि तुम खेलते ही नहीं हो बेटे। तुम्हारी उम्र के बच्चों को खेलना चाहिए। मैंने कोशिश की पिताजी, बस कभी कभी नहीं खेलता हूँ। कभी कभी, सिर्फ कभी कभी? और बाकी समय क्या करते हो बेटे? पिताजी मैं सोच रहा था कि। सोचना बेटे हमारे जैसे बड़ों का काम है, तुम्हारी उम्र के बच्चों को सोचना नहीं चाहिए। क्यों पिताजी? तुम एक राजकुमार हो बेटे, और पता है तुम्हें इसका मतलब क्या है? हाँ पता है, मैं एक दिन राजा बनने वाला हूँ। एकदम ठीक, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें गुरु विश्वामित्र के पास भेज रहा हूँ, वो तुम्हें हर चीज सिखाएंगे जो एक राजकुमार को पता होनी चाहिए, समझे? ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें वर्णन करने को सिखाने वाला हूं, अब मुझे ध्यान से देखो। ओम तत्सवितुर वरेण्यम। क्या मैं कोशिश करूं? क्या तुम कर सकोगे? हाँ। ओम तत्सवितुर वरेण्यम।
रे ओ ओ नियम। बस हो गया सिद्धार्थ, लिखना बंद करो। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैंने सीखा नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें कुछ नियम सिखाता हूँ, अब मेरे बात बोलो। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छः सात आठ नौ, दस बीस तीस चालीस पचास साठ। पचास को दो से गुणा करें तो सौ, सौ को दस से गुणा करेंगे तो एक हजार, एक हजार के दो टुकड़े करेंगे तो पाँच सौ, पाँच सौ में से दो सौ निकालेंगे तो तीन सौ बचेंगे, और तीन सौ गुणा चार सौ बनेंगे बारह लाख। बस बहुत हो गया सिद्धार्थ। लेकिन मैं आगे भी बता सकता हूँ गुरुदेव। नहीं, ये सब काफी है, तुम्हें तो विज्ञान और गणित अच्छा आता है। अब मैं तुम्हें लंबाई और ऊंचाई सिखाता हूँ। गुरुदेव चलो इससे भी कठिन उदाहरण से शुरू करते हैं। दस सालों का एक दशक हुआ, दस दशकों का एक युग, दस युगों की एक शताब्दी, सात शताब्दी से बनी एक कालावधि। इससे भी कहीं आगे हम जा सकते हैं गुरुदेव। सरसों, जवार, बाजरा, भुट्टा, बहुत कुछ है। ऐसे कई धान बोएंगे तो विश्व का चक्कर हो सकता है। तारे, ग्रह और अनुग्रह, ऐसे 20 ग्रह तारों से बनेगा धूमकेतु। विश्व में ऐसी कई धूमकेतु हैं। देखा जाए तो 44 धूमकेतुओं की शलाका होती है। और गुरुदेव मैं आपको सूर्य की शलाकाएं भी गिनवा सकता हूँ। गुरुदेव कृपा करके ऐसा मत करिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया उठिए। हे महान बालक, आपको सिखाने को मेरे पास कुछ नहीं, आप सारे आचार्यों के आचार्य हैं। मैं आपको वंदन करता हूँ, आपका ज्ञान और बुद्धि परिपूर्ण है। अभी यही है, अब हम क्या करें? मैं तैयार हूं मेरे भाई। ये इधर है, इसे मारो। देखो पंछी।
ए सिद्धार्थ, ये पंछी मेरा है, उसे मुझे दे दो, समझे तुम? नहीं देवदत्त, ये तुम्हारा नहीं, वो आसमान का पंछी है। क्या मतलब है ये आसमान का? मैंने मारा इसे तो ये मेरा हुआ। नहीं, तुमने स्वान को नहीं मारा, तुम तो इससे खेल रहे थे। हमें इसके जख्म भरने होंगे। जख्म भरेंगे? हाँ, और इसे वापस छोड़ देंगे। देखो मेरे भाई, वो मेरा निशाना था, मेरा तीर, मेरा कमान और मेरा वार, तो ये पंछी मेरा हुआ, तो लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं देवदत्त, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, देखो अजीब बर्ताव मत करो। ये पंछी मेरा है। किस हक से? दया के हक से। मैं इन पंछियों और अपने जीवन के बीच का सूत्र हूँ। अगर ये बात है तो मुझे ये बात अपने बुजुर्गों तक ले जानी होगी। बचाने वाला सबसे ऊंचा होता है, जो प्राण बचाए उसका कार्य सबसे महान है। वरना आदमी की बुद्धि नाश हो जाती है, बचाने वाला हमेशा जीतेगा। इसलिए मेरे प्यारे सिद्धार्थ, तुम्हारे हाथ में जो पक्षी है वो तुम्हारा हुआ, ले जाओ और ध्यान रखो। सिद्धार्थ मेरे बेटे, मुझे खुशी है कि तुमने इसे बचाया। धन्यवाद पिताजी, पर एक बात और है। अब क्या है बेटे? आपको देवदत्त को माफ करना होगा। ओ हाँ, जरूर। मुझे तुम पे गर्व है बेटे। पिताजी। आओ चलो सिद्धार्थ, जरा अपने प्रांत में टहल कर आते हैं। अरे वाह,
दुनिया बहुत खूबसूरत है, है ना मेरे बच्चे? नहीं पिताजी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हमने बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखी। हाँ पिताजी, मैं मानता हूँ, पर उसी समय मैंने जीवन देखा जो मौत पर जीता है। हर जीवन एक दूसरे को मारता है और तीसरे का भक्षक बन जाता है। मैंने तो बस कमजोर और बलवान के बीच युद्ध देखा, मैंने तो बस दुरुपयोग देखा। मैं दुविधा में हूँ पिताजी, मुझे विचार करना है। To guide the people, their spirit and their soul. A prophecy will soon come true. A prophecy that heaven's true. You shall be a king to guide the people, their spirit and their soul. Shall be a king to guide the people, their spirit and their soul. A prophecy will soon come true. A prophecy that heaven's true. सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी सोच और गहरी होती गई। जरा देखो इसे, मैंने इसे दुनिया की हर खुशी दी है और फिर भी वो खुश नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे किस बात की चिंता है। चाहे जो भी हो जाए, मैं चाहता हूं कि वो राजाओं का राजा बने, एक महान शासक। चिंता ना करें महाराज, उसे बस प्यार चाहिए। बेटे को अभी तक नारी के जादू का ज्ञान नहीं है। शायद तुम ठीक कहते हो, पर सही लड़की कहां से मिलेगी? ये कोई मुश्किल काम नहीं है महाराज, ये आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। बताओ बताओ मुझे, तुम क्या करने वाले हो? हम एक सभा का आयोजन करेंगे महाराज, सिर्फ कन्याओं के लिए, बल्कि सिर्फ जवान कन्याओं के लिए। हमारे देश की सारी कमानियां आएंगी, मुझे यकीन है उसे दो या तीन तो पसंद आएंगी ही। आखिर वो 18 का हो गया है और 18वें वर्ष में आपको तो पता है। ठीक है ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी सारी सुंदरियां एक जगह पर जमा हो जाए, है ना मंत्री जी? बिल्कुल ठीक महाराज, मुझे अंदाजा नहीं था कि देश में इतनी सुंदरियां हैं। इतनी सारी सौंदर्यवान युवतियों में से किसी एक को चुनना मेरे बेटे के लिए बहुत कठिन कार्य है। आपको लगता है कि हमें नीचे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? What is this stirring me? What is this burning me? A feeling so delightful, a feeling so strong. I really wonder what's wrong. Stir.
ये बहुत खूबसूरत है। कौन है ये लड़की? वो है यशोधरा, महान राजा सुप्रभुदा की बेटी। बहुत खूब, जल्द से जल्द संदेश भेजो, हम सुप्रभुदा को उसके बेटी का हाथ अपने सिद्धार्थ के लिए मांगेंगे। हाँ महाराज, पर ऐसा सुनने में आया है कि पालन मीर के राजघराने से भी रिश्ता आया है राजकुमारी यशोधरा के लिए। क्या कहते हो? फिर सुप्रभुदा का क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर अपने राजकुमार उनकी महान योद्धाओं की स्पर्धा को जीत ले तो वो अपनी बेटी तथा राज्य खुशी खुशी देने को तैयार हैं अपने सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ये कर लेगा। और शुरू होती है तीर कमान प्रतियोगिता। प्रतियोगी अपना अपना अंतर चुन सकते हैं। मुझे 6 अंतर दूर स्थापित कीजिए। मुझे 8 अंतर दूर स्थापित करो। मुझे 10 अंतर दूर स्थापित किया जाए। सुना तुमने, देवदत्त से भी 2 अंतर स्पष्ट दूर स्थापित रहेगा सिद्धार्थ। मैं इस कमान को मंदिर में तब से देख रहा हूँ जब से मैं बच्चा था। इसकी डोर बांधने के लिए मजबूत कंधे चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे बेटे। आगे तलवारबाजी प्रतियोगिता है। प्रतियोगियों को एक ही वार में झाड़ के टहनी को काटना होगा। याद रहे, दूसरी लकड़ी पहली वाली लकड़ी से दुगनी बड़ी है और तीसरा झाड़ दूसरे झाड़ से दुगने माप का होगा। यह शुरू होती है तलवारबाजी की प्रतियोगिता। अब अगला प्रतियोगी अपना नसीब आजमा सकता है। Oh,
आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ बेटी, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या आपको कोई चिंता सता रही है पिताजी? सुनो यशोधरा, इन दीवारों के बीच कभी मौत का जिक्र नहीं होगा, या बुढ़ापा, या दुख, या दर्द, या बीमारी, या कुछ भी ऐसा जो आनंददायक नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा के लिए। पर क्यों? क्या आपको शक है कि हम दुखी होंगे? नहीं, कदापि नहीं। बस मैंने उसे ऐसे ही बड़ा किया है और बस चाहता हूँ कि आज के बाद ये ऐसा ही रहे वो। पर महाराज, आप क्यों चाहते हैं कि मेरे पति जिंदगी का सिर्फ एक ही हिस्सा देखे? राजकुमार में बेटे एक छोटी सी तकलीफ है। उसका स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत भावुक है, छोटी सी अड़चन से भी दुखी हो जाता है। क्या कहूँ? तो आप मुझे क्या सलाह देना चाहते हैं महाराज? उसे खुश रखना यशोधरा, उसे बहुत खुश रखना, हमेशा। उसे अपने प्यार की कोठरी में बंद करना, जहाँ प्यार पहरेदार होगा जो उसे बांधे रहेगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, पर कोई भी जेल मेरी सोच को रोक नहीं सकते प्यारे पिताजी। ओह, क्या हुआ? कुछ आपने डरावना सपना देखा? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या कोई बुरा सपना था? मैं काफी समय तक तुम्हारा निरीक्षण कर रही हूँ। तुम किसी बात से चिंतित लगते हो। तुम्हारे मन में हमेशा कुछ तो रहता ही है। क्या वो मैं हूँ? क्या मेरी चिंता सताती है तुम्हें? नहीं प्रिय, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। मेरे अंदर कुछ है। पर वो जो भी हो, उसे मेरे साथ बांट लीजिए। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मानो, विश्वास करो, मुझे कभी कभार सपने आते हैं, अजीब सपने। अच्छा, ऐसा है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। पता है, कभी कभी जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम मुझे जैसे। यशोधरा, सुना तुमने? सुना तुमने? क्या सुना? गान, देवदूतों का गान। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पर मुझे तो सुनाई दे रहा है, संगीत कितना पवित्र। सुनाई दिया? सुनाई दिया तुम्हें? नहीं मेरे स्वामी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैंने तो ठीक से सुना, पूरा और स्पष्ट। और वो बुलावा था, जानता हूँ वो बुलावा था। चित्रा, चित्रा। हाँ राजकुमार सिद्धार्थ। मुझे बताओ चित्रा, इन द्वारों के पार क्या है? वहाँ शहर है राजकुमार, घर, बाजार, नदी, रास्ते, मंदिर, बगीचे, घाटी। और उनके पार? उनके पार जंगल है और उसके पार बिंबिसार का राज्य है। और उसके पार? विशाल दुनिया जिसमें लाखों लोग रहते हैं कुमार। बताओ चित्रा, मैंने अब तक ये सब क्यों नहीं देखा? क्यों मैं कभी उस द्वार के पार नहीं गया? आपके पिता की आज्ञा है कुमार। ऐसा है क्या? पर मैं सब देखना चाहता हूँ, उन ऊंची दीवारों के उस पार की जिंदगी देखना चाहता हूँ। पता न चले कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, और मेरे चालक को कहो कि व्यवस्था के साथ कल सुबह तैयार रहे। मैं देखूंगा कि उन बंद द्वारों के बाहर क्या है। यानी वक्त आ गया, मुझे लगा समय लगेगा। ठीक है, हम सामना करेंगे। उसे बाहर जाके दुनिया देखने दो। बाहर हर तरफ खुशी का माहौल रहे, मेरे बेटे को सिर्फ अच्छी चीजें दिखें। सुनो सुनो सुनो, अपने राजकुमार आज शहर का नजारा देखेंगे। कहीं भी कोई दुख का नजारा दिखना नहीं चाहिए। बदसूरत और बीमारों को अपने अपने घर में ही रहने को कहा गया है। फिर से कहता हूँ, अंधे
भिखारी और बूढ़े घर के अंदर ही रहें, ये महाराज की आज्ञा है और इसका पालन आज रात तक होना चाहिए। सुनो सुनो सुनो। सिद्धार्थ पहली बार अपनी महल से बाहर निकला। ये रहा आपका शहर राजकुमार, वो शहर जो आपको पसंद है और जिसे आप हमेशा देखना चाहते थे। शहर आपको मिलने को तैयार है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत खूब, मुझे बहुत पसंद आए और वो भी मुझे प्यार करते हैं। बताओ चालक, मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब इतने खुश हैं? वो सब खुश हैं क्योंकि आप उन्हें देखने आए। ये बहुत रोमांचक है, ये लोग कितने खुश हैं और जोशीले लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से इतने खुश हैं ये लोग। सच में खुश लग रहे हैं। मैं कुछ और देखना चाहूंगा। जय हो राजकुमार की, जय हो। राजकुमार अमर रहे। ए तुम, रुको। रुको, ये कौन है? ये एक बूढ़ा आदमी है। भूल जाओ इसे राजकुमार, ये बूढ़ा मरने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा मरने वाला है? मरने वाला, मौत जो बिल्कुल नैसर्गिक है। पर कोई क्या ऐसा देखता है इतना दर्दनाक जब कोई मर रहा हो? कोई भी जो बूढ़ा होता है ऐसा ही दिखाई देता है। क्या मैं भी ऐसा ही दिखूंगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? जब मैं मरूंगा, क्या मैं मरूंगा? जवाब दो, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा इस बूढ़े आदमी की तरह और मरूंगा? हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हें क्या यकीन है कि मैं भी मरूंगा? What kind of life is this which you see as eternal bliss? Oh, where you're just a blind man bitten by life's deceptive kiss. Everything is just an illusion. Oh, prince, how fatal can be your delusion? से खुश नहीं हो? क्या मैं तुम्हें वो सारे आराम नहीं दे सकती जिसके तुम हकदार हो? प्रिय, खुशी, आराम, ये सब कल्पनाएं हैं। ये चीजें हमेशा नहीं रहेंगी क्योंकि एक दिन ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। समय हमसे सब कुछ छीन लेगा प्रिय। ये नशा, ये सौंदर्य, ये जवानी, वो सब कुछ छीन लेगा। ओ सब कुछ,
मैंने आज ये सब देखा, मैंने जो कुछ भी देखा वो मुझे अस्वस्थ कर रहा है। पर वैसे हमेशा से ही ऐसे हो रहा है महाराज, हम ये बदल नहीं सकते। मुझे पता है, पर फिर भी मैं अस्वस्थ हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब नींद भी आएगी आज। महाराज सुदोधन ने एक अजीब सपना देखा जिसमें भविष्य में उसके बेटे का दायित्व उसे सूचित कर रहा था। दरवाजा खोलो, मैं इसी वक्त बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? आपके पिता की आज्ञा है राजकुमार, मुझे आज्ञा है कि मैं आपको कभी भी महल के बाहर जाने ना दूं। ओह अच्छा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ या फिर इसके लिए भी मना किया है पिताजी ने? पिताजी मुझे जवाब दीजिए, मुझे बाहर शहर में जाने की इजाजत क्यों नहीं है? ये तुम्हारी ही भलाई के लिए है बेटा। तुम बहुत भावुक हो और तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, और वैसे भी तुमने शहर तो देख लिया है ना? ओ हाँ, मैंने देखा। लग रहा था जैसे आपने सब पहले से इंतजाम कर रखा था, कुछ भी नैसर्गिक नहीं था, सब कुछ बना बनाया लग रहा था पिताजी। सब लोग बस खुश थे, हंस रहे थे। अब हंसने में क्या बुराई है और खुश होने में क्या गलती है? कुछ नहीं, अगर वो नैसर्गिक होता। मेरे लिए खुशियों भरी दुनिया का नजारा मत खड़ा कीजिए पिताजी। आप चाहते हैं कि मैं इस धरती पर राज करूं तो मुझे ये धरती जैसी है वैसी देखने दें। मैं लोगों को जानना चाहता हूं, उनकी भावनाएं, उनके दिन ब दिन की जिंदगी, उनके सपने, उनकी तकलीफें, उनके डर, उनका दुख और उनकी आशाएं। हाँ, मेरे ख्याल से तुम ठीक कहते हो। शायद मैंने जरा ज्यादा सावधानी बरती, जरूरत से ज्यादा संरक्षक बना। ठीक है बेटे, अब आज से तुम जहां चाहो घूम सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। चाना, कैसा लग रहा हूं मैं? क्या तुम्हें लगता है कि लोग मुझे पहचान पाएंगे जब मैं रास्ते पर चलूंगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर बहुत अच्छा, चलो। कितना सुंदर है। कोई मदद करो, मुझसे और नहीं सहा जाता और दर्द बढ़ता जा रहा है। कोई मदद करो, मदद करो, कृपा करो, मुझे बचाओ। नहीं सहा जाता और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। नहीं मेरे मालिक, वो बीमार है, किसी रोग की वजह से पीड़ित है। कृपा करें उसे स्पर्श मत करिए। भाई
तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जाना, रो क्यों रहा है ये? उसे मत छूइए मालिक, आपको भी प्लेग हो सकता है। मुझे भी प्लेग हो सकता है? क्या कह रहे हो? क्या और भी हैं? बहुत सारे इनके जैसे बीमार आदमी? हाँ, ये एक अंतिम सत्य है, जीवन का अपरिहार्य हिस्सा। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा जिंदगी के किसी मोड़ पे बीमार तो पड़ता ही है। हा? वो बुखार हो, पेट दर्द हो, खसरा हो, कई तरह की बीमारियां हैं, इससे कोई नहीं बचा है। क्या ये बिना बताया जाता है या फिर कोई रास्ता है इनको पहले से जानने का? नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं, बस चुपके से आता है जैसे कोई सांप, और फिर अचानक वो वार कर देता है जैसे चमकती बिजली। चाना, क्या होता है जब लोग बीमार पड़ते हैं? आप देख ही रहे हो, वो सहते हैं, धुतकारे जाते हैं, कमजोर, और फिर मर जाते हैं। मर जाते हैं? हाँ, मर जाते हैं, गल जाते हैं, गायब हो जाते हैं दुनिया के पेट में। मर जाते हैं? मुझे बताओ चाना, क्या मैं बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी मरूंगा? कहने को बहुत दुख हो रहा है राजकुमार, पर हाँ, आप भी बीमार पड़ोगे, आप भी मरोगे, हम सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, तो क्या यही वजह है कि सब लोग डर कर जीते हैं? हाँ, सब लोग डरते हैं। इसका मतलब कोई भी जो आज जिंदा है वो ये नहीं कह सकता कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं? कोई नहीं कह सकता, हम सबको मरना होगा। समझ गया। हाँ मेरे स्वामी, जो नसीब वाले जिनकी उम्र ज्यादा होती है वो बीमार नहीं होते, पर वो भी बूढ़े हो जाते हैं और जिंदगी उनका साथ छोड़ देती है, बाकी जल्दी मरते हैं बीमारी से, दर्द से। क्या चाना, ये हिल क्यों नहीं रहा है? वो मर चुका है, उसका दर्द खत्म हो गया। क्या? ओह, दर्द से घिरी दुनिया जो जन्म और मौत के बीच घूमती है, मुझे लगा जीवन अमर है, कभी न रुकने वाला। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। लोगों को उनकी कल्पनाओं से बाहर लाना होगा, दुनिया में मौत ही अंतिम सत्य है। उन्हें मदद चाहिए जाना, वो मैं तुम हम सबको मदद चाहिए, सिर्फ हम ही क्यों, भगवान को भी मदद चाहिए। आपने भगवान कहा स्वामी? उन्होंने ही तो दुनिया बनाई है। जाना, उन्होंने पूरी दुनिया बनाई और चुपचाप देख रहे हैं ये तकलीफें। अगर वो इतने शक्तिशाली हैं तो उसे ये सब रोकना चाहिए था, ये दर्द, ये मौत, पर वो ये नहीं कर रहा है। राजकुमार, 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 एक शुभ समाचार है, आपको बेटा हुआ है। क्या बढ़िया समाचार है, बहुत खूब, मैं खेलूंगा उसके साथ। इसमें इतना खुश होने जैसा कुछ नहीं है चाना, ये सब एक डोर है मुझे बांधने के लिए, तो उसका नाम राहुल रखो, राहुल यानी सांप, या फिर एक रस्सी जो मुझे पीछे खींचने के लिए बनी है। What kind of life is this which you see as eternal bliss? Oh, where you're just a blind man bitten by life's deceptive kiss. Everything is just an illusion, oh prince. Chana, Chana. उठो चाना। मालिक, अपना वाहन निकालो। मालिक, मालिक, आपको अभी घूमना है इस आधी रात को? पर क्यों? धीरे बोलो, मुझे जाना है, वो घड़ी आ गई है चाना। किस बात की मालिक? सच्चाई की खोज की, जो मैं पाऊंगा सबके लिए।
पर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। पर मालिक, अपने पिता के बारे में सोचो, आपका बेटा और राजकुमारी। एक बेहतर कार्य के लिए मुझे सारे ऐशो आराम त्यागने होंगे चाना, सारी मानव जाति के सुख के लिए, चिरंतन आनंद के लिए। तो और समय व्यर्थ न करो चाना, और जाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ। कंटका, शायद ये तुम्हारी सबसे दूर की यात्रा हो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसका अंत कहाँ होगा। चाना, मेरे राहुल का ख्याल रखना और मेरी प्रिय यशोधरा का भी। राजकुमार सिद्धार्थ, कृपया मारा का प्रणाम स्वीकार करें। मोह का राजा, आपसे मिलकर खुशी हुई। पर मेरे प्यारे साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं सच की तलाश में जा रहा हूँ। आज से 7 दिन बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपने महान साम्राज्य के इकलौते स्वामी होंगे। आज से 7 दिन के बाद स्त्री और पुरुष आतुरता के साथ प्रतीक्षा करेंगे कि उनके स्वामी का हल्का सा इशारा हो और वो उनकी कामना पूरी कर दें और आपकी शरण में आए मेरे महान स्वामी। मारा, अब मोह मुझसे नहीं जीत सकता और ना ही मुझ में अब किसी बात की आस बची है। Just an illusion. Oh prince, how fatal can be your delusion? Depart, ride swift into the night. Do not falter and do not sway until you find your chosen way. Everything is just an illusion. Oh prince, how fatal can be your delusion? चलता हूँ कंटका, पता है बहुत कठिन है, पर दुनिया को और मानव जाति को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना होगा। चाओ कंटका। और तुमने सब कुछ त्याग दिया, पर क्यों? जिंदगी का असली मतलब खोजने के लिए। पर जवान आदमी, क्या तुम्हें पता भी है कि कितना मुश्किल है? मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, पर इसके लिए दृढ़ विश्वास चाहिए। मेरा आचरण अच्छा है, मैं योग साधना करता हूँ और मुझे विश्वास है।
तो तुम्हें मिलेगा जो तुम तलाश कर रहे हो। कुछ ऋषि उसकी बातों से प्रेरित हुए और उसके मार्ग पर चलने का निर्णय कर लिया। सिद्धार्थ भूखा प्यासा रहकर साधना करने लगा जब तक वो मौत के करीब न पहुंच जाए। ये लीजिए, किसी ने कहा है तंदुरुस्त आत्मा तंदुरुस्त शरीर में वास करती है। तुम्हारा नाम क्या है? सुजाता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। इस बुद्धि ने मुझे समझाया है कि संपूर्ण सन्यास मेरा मार्ग नहीं है, इसलिए मैं तंदुरुस्त मन के लिए और तन के लिए योग साधना करूंगा। मैं स्वयं रूपांतरण और स्वयं केंद्रीकरण के बीच का मार्ग अपनाऊंगा। आओ मेरे साथ आओ। सिद्धार्थ तुम हार गए हो। तुमने अपना प्रण तोड़ा है। हम तुम्हारे साथ नहीं हो सकते हैं। गीली लकड़ी से कभी आग पैदा नहीं होती दोस्तों। मुझे बीच का रास्ता मिल गया है और मेरे दोस्तों यही एक रास्ता है। आपकी दया के लिए आपको शांति मिले। धन्यवाद महाप्रभु। Oh,
हे महानुभाव, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब समय आ गया है आपके निर्वाण का और दुनिया को छोड़ने का। नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ मोरा। पर क्यों नहीं, आपको अपने सारे जवाब तो मिल गए हैं ना? मुझे इस ज्ञान को बांटना है। मैं जो भी जानता हूँ वो मानवता को बचाने के लिए फैलाना होगा। नहीं, ना, 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं मार्ग जानता हूं जो सारे दर्द का अंत करता है। आखिर मैं सभी कामनाओं और दुखों से मुक्त हो गया हूं। पर तुम पूरा सच कैसे जानते हो? तुमने तो हार मानी थी, है ना? नहीं, मैंने कभी हार नहीं मानी, ना ही दुनिया से, जो आनंददायी दुनिया है, ना ही ये नश्वर दुनिया, और ना नकारात्मक दृष्टिकोण आप में प्रकाश जगा सकता है। निर्वाण तक का मार्ग प्रसंगात्मक है। कोशिश करो समझने की। सही विश्वास, सही परिणाम, सही बोल, सही कार्य, सही जीवन, सही प्रयास, सही विचार, सही एकाग्रता, और ये है बीच का मार्ग। क्षमा करो, हमारे वर्ताव के लिए क्षमा करो। हे महर्षि, हमें अपना सेवक स्वीकार कीजिए। मेरे शिष्यों, समय आ गया है कि हमें लंबी और प्रभावशाली यात्रा करनी होगी। सभी दिशाओं में जाने का समय आ गया है। समय है सिखाने का और प्रेम संदेश बांटने का। आओ चलते हैं। बुद्ध बदलाव एवं प्रगति के लिए निकल पड़े और अपनी यात्रा में उन्होंने कई बदलाव कर दिखाए। ओ तुम प्यारे बच्चे, रुको, वापस करो इसे। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो दोस्त, कृपया मुझे बताओ। वहाँ पर बलि देने वाले कमरे में। हमें पुजारी ने कहा है कि हमें 100 बकरियों की बलि चढ़ानी है। पर किस लिए? ईश्वर की प्रार्थना के लिए। हम वहाँ जाएंगे, चलो। ओ,
परमेश्वर, महाराज के सारे पाप इस बकरे में समा जाने दो, प्राग को इसे ग्रहण करने दो। जय मां काली। रुको, रुको। उसे वार मत करने देना महाराज। कौन है ये आदमी? ये बुद्ध है। हमें क्या करना चाहिए बताइए ओ महानुभाव, क्या हमने कुछ गलत किया? सभी प्राणी, उनमें से हर कोई जीवन से प्यार करता है। हे राजा, जीवन महंगा है, इस निष्पाप बकरे के लिए भी, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन सबकी रक्षा करें। ओ मैं पर लेकिन तुम इस बकरी के भी उतने ही राजा हो जितने कि तुम यहाँ की प्रजा के। ये छोटी बकरी भी तुम पर उतना ही विश्वास करती है जितने तुम्हारे लोग, और तुम्हारे इशारे पर ये तलवार गिरेगी। तुम जान लोगे इस छोटे और निष्पाप बकरे की बिना किसी वजह के। पर ए राजा, एक हत्या से अगर तुम्हें अपेक्षा है कि तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी तो ये गलत है। मुझे क्या करना चाहिए? अपने राज्य की सारी पशु वशालाओं पर प्रतिबंध लगा दो। से भाग रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है कि तुम जरूर भाग रहे हो। क्या? मैं तो शांत हूँ, तुम ही हो जो चंचल लग रहे हो। क्या बात कर रहे हो तुम? मेरा मन पूर्ण शांत है, वो तुम ही हो जिसे मन की शांति की जरूरत है। बेटे बेटे, तुम शायद झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ अंगुली माला। क्या जानते हो तुम? मैं खूंखार राक्षस हूँ जो आदमी का मांस खाता है। नहीं मेरे दोस्त, तुम भटकी आत्मा हो जिसे मदद चाहिए। मदद? तुम लोग क्या जानो मदद के बारे में सिवाय धोखा और क्रूरता के? नहीं मेरे बच्चे, सभी बुरे नहीं होते, शायद अनजान होंगे, पर ये दुनिया पूरी तरह से बुरी जगह नहीं है। मैं क्यों समझने की कोशिश करूं जब कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता? तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे उसका दुख है, पर ऐसे खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं औरों को तकलीफ देता हूँ। अपने अंतर्मन का कहा टाल के क्या है जो तुम पाना चाहते हो? बहुत हो गया, मैं तुम्हारी सुनने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी उंगली चाहिए। ले लो मेरे बच्चे, अगर यही तुम्हें आनंद देता है। और इन उंगलियों के साथ ही मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। क्यों नहीं मेरे बच्चे, अगर इससे तुम्हारा मन शांत होता हो, ले लो। अपनी यात्रा के दौरान बुद्ध ने अपना संदेश आम लोगों तक पहुंचाया। निसर्ग का चिरंतन सौंदर्य जिसने उसे अचंभित किया, पुराने समय की तरह जैसे का तैसा था। भरी हुई ऊंचाइयां, पिघलती हुई बर्फ, बहते झरने और हल्के पत्ते,
सभी के लिए एक संदेश था जिनसे वो मिलता। वो रास्ते जहां पर चलने की कभी मुझे मनाही थी, वो लोग जिनसे मिलने की मुझे इजाजत नहीं थी, और जीवन का एक हिस्सा जो मुझे नहीं जानने दिया गया। मैं यहां बड़ा हुआ, इन सीढ़ियों से भागा और इन बगीचों में खेला। मैंने जीवन के सभी आनंदों का उपभोग किया और सोचा यह हमेशा रहेगा। फिर मुझे प्रेम हुआ, शादी की और एक पुत्र का पिता बना। ओ यशोधरा, राहुल, कहां हूं मैं? मैं यहां क्या कर रहा हूं? कितनी मजबूत हैं ये रस्सियां जो हमें चिरंतन चक्र में बांध देती हैं। सच में मेरे राजकुमार? हाँ। पिताजी, मेरे भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। सिद्धार्थ, तुम कहाँ चले गए थे? हमें छोड़कर क्यों गए थे? और तुम्हें ये क्या हो गया है मेरे बच्चे? जीवन के वो दुख जिन्हें आपने मुझसे छिपाने की बहुत कोशिश की, सच्चाइयां इंसानी जीवन की जिन्हें आपने मुझसे कोसों दूर रखा, उन्होंने मुझे बाहर जाकर सच्चाई खोजने पर मजबूर किया ताकि मेरे चंचल दिमाग को जवाब मिल सके। तो क्या तुम्हें जवाब मिला? जी हाँ, बिल्कुल। और मैं यहाँ आया हूँ उसे आप सबके साथ बांटने के लिए। मेरे बेटे, मेरे मन के एक कोने में हमेशा लगता था कि तुम अपनी मंजिल जरूर पाओगे। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मेरे स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाइए, कृपया हमारे साथ रहिए। राजकुमारी। हाँ, मैं हूँ, और ये है राहुल, हमारा बेटा। ए गोरी, मुझे तुम्हारी बाहों में प्रेम मिला, पर मेरी आत्मा इस सोने के पिंजरे में तड़प रही थी। पर मुझे जाना होगा वो करने जो मुझे करना चाहिए। मुझे अपने साथ ले चलिए स्वामी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। मुझे क्षमा करो दर्द देने के लिए, पर अब मैं वो पुरुष नहीं जो तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे का पिता था। और इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ, जिसके पास बेशुमार ऐशो आराम, राज्य, प्यार करने वाला परिवार और संपत्ति थी, सब त्याग कर सच्चाई को अपना लिया। बहुत सारी तकलीफ और योग के बाद राजकुमार सिद्धार्थ बोधिसत्व बने, सच्चाई की परिसीमा, और फिर बुद्ध, प्रकाशमय। उनका सच्चाई का पाठ, जो सारी बुराइयों का नाश करता है और लोगों से अच्छे कर्म करवाता है, यों द्वारा अपनाया गया और एक महान धर्म का निर्माण हुआ, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कई देशों में फैल गया, दुनिया भर में, जिसमें श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, जापान, वियतनाम और सिंगापुर हैं। यहाँ तक कि आज उनके पश्चिम में भी कई भक्त हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
For more movies, subscribe to Prime Movies Channel.